हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे शेर शेरनियो, बात करने वाले 41 फील्ड एमिनेशन डिपू 2022 भर्ती। मेरे दोस्त, आपके लिए आपका सबर का इंतजार भी भाई समाप्त हो रहा है और मेरे सबर का इंतजार भी समाप्त हो रहा है। आप सबको पता है यार, 41 एपीडी भर्ती में आधे बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी गई है, आधे बच्चों की ज्वाइनिंग पेंडिंग रखी गई है, आधे का यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया, आधे का यहाँ पर रिजल्ट जारी नहीं किया। पर मैं आज के जो इस वीडियो के अंदर लेकर आ गया इन्फॉर्मेशन, वो लेकर आ गया हूँ रिजल्ट से संबंधित, आपको रिजल्ट से संबंधित अपडेट यहाँ पर देने वाला हूँ कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आपको ऑथेंटिक और बढ़िया न्यूज आपके सामने लेकर आ गया हूँ। बिल्कुल मेरे दोस्तों, आपका भाई जब से पता भाई 41 एपीडी मान लो, एओसी मान लो, बीएसएफ, सीआरएफ, सीएसएफ, एसएसबी, आसाम राइफल, एनआई, एसएसएफ, इसके अलावा जीडी, एसएससी, जीडी आपका आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, इसके अलावा जो भी कोई डीआरडीओ आपका यहाँ पर ऑयल, जो भी कोई भर्ती आती है, उन सब की अपडेट आपको सबसे पहले कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म और टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आपको टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं करें, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। मेरे दोस्तों, बात करते हैं 41 एपीडी की। 41 एपीडी फील्ड एमिनेशन डिपो के अंदर जो भर्ती आई थी उसके अंदर आपकी पांच पोस्ट आई थी, चार पोस्ट आई थी, फायरमैन, ट्रेड्समैन, जेओ और एमए। यहाँ पर जेओ और एमए का रिजल्ट आ चुका है, उन बच्चों को यहाँ पर ज्वाइनिंग करवा ली गई है, मतलब उन बच्चों की ज्वाइनिंग होगी। अभी जो बात निकल कर आ रही है कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, आपका रिजल्ट कब तक होएगा, भाई आपको बताए, जेओ और एमए में हमने इतिहास रचा था, दोनों भर्तियों के अंदर 13 सिलेक्शन दिए थे, ऑल इंडिया के अंदर 13 सिलेक्शन, और ट्रेड्समैन और फायरमैन में गारंटी लेता हूँ 100+ सिलेक्शन कहाँ से मिलेंगे, वो मिलेंगे ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ के नौकरी लेंगे, आपको पता होना चाहिए, जो बच्चे नए देख रहे हैं उनको बोल दूं मैं, आपका भाई आपको यहाँ पर जो जानकारी बताता है ना, वो रियल और महत्वपूर्ण जानकारी बताता है, और वो क्वेश्चन से आपको यहाँ पर करवाता है जो कुटप होते हैं एग्जाम में। ये नहीं है कि आपको कुछ भी रामलीला पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा, नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर रियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। बात करते हैं यहाँ पर कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर बताऊं, आपका रिजल्ट की महत्वपूर्ण अपडेट ये निकल कर आ रही है, आपका रिजल्ट नवंबर माह के 10 तारीख तक यदि आ जाता है तो आ जाता है, वरना आपका रिजल्ट फिर भाई मार्च के बाद आएगा 2023 तक। अब कई बच्चे बोलेंगे सर बैड न्यूज तो है ये, तो देखो मेरे दोस्त, गुड न्यूज इसमें निकल कर आ रही है कि आपका 10 नवंबर तक रिजल्ट आने की ज्यादा संभावना है, ज्यादा संभावना 10 नवंबर तक रिजल्ट आने की। यदि इसको रिजल्ट आ जाता है तो आपके लिए गुड न्यूज यही है कि आपका भाई आपको बढ़िया पार्टी देगा एक, और बढ़िया पार्टी के साथ उन बच्चों को सम्मानित करेंगे जो हमसे सिलेक्शन लेंगे। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं, 10 नवंबर तक ये रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। यदि इसके बाद में रिजल्ट नहीं आता है तो आपका रिजल्ट मार्च में आने की चांसेस है, और आपकी ज्वाइनिंग जुलाई में हो सकती है, और 10 नवंबर को भी यदि रिजल्ट आता है तो भी आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर जुलाई में ही होनी संभव है। ये नहीं कि आपका 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा, दिसंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी, नहीं दोस्त, क्योंकि वहां पर बर्फबारी हो चुकी है, बर्फबारी चालू है, आपको बताया बर्फबारी में कोई भी आपका ट्रेनिंग नहीं कर सकता। जे और एमए का यहाँ पर ज्वाइनिंग हो चुका था, उनकी बात अलग है। तो बता दो, 41 फील्ड एमिनेशन डिपू से रिजल्ट से संबंधित अपडेट यही है कि आपका 10 नवंबर को आपका रिजल्ट आने की संभावना है। और मैं बता दूं मेरे दोस्तों, कोई भी अपडेट होगी तो आपका भाई सबसे पहले वीडियो बनाकर अपलोड कर देगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके लिए हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन देता है। तब तक के लिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो भाई 41 एपीडी के जो बच्चे पास हैं उनको बोलना चाहता हूँ, आपके लिए गोल्डन चांसेस एक और आ चुका है, वो आ चुका है एओसी, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के अंदर जो भर्ती आ चुकी है उसके अंदर भी आप फॉर्म भरिए, आपके लिए गोल्डन मौका और गोल्डन चांसेस रहने वाले एओसी के अंदर। एओसी भी आपको बहुत अच्छा मौका दे रही है, तो एओसी का जरूर फॉर्म भरिए मेरे दोस्तों, ऐसे मौके बार बार नहीं होते, और जो मौके पे चौका लगाता है वही असली सिकंदर होता है। इस बात के साथ बोलना चाहता हूँ का कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, आपको कभी थक कर नहीं बैठना है। ये नहीं है 41 एपीडी का रिजल्ट को आप इंतजार कर रहे हो, 12 महीने निकाल रहे हो, आपको कहीं इसका ना गलत फायदा ना हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक बच्चा जो मुझसे जुड़ चुका है ना, वो हर एक कंपिटिशन एग्जाम दे, हर एक वो भर्ती देगी जिसमें आपका सिलेक्शन के लायक हो। एओसी का फॉर्म भरिए, ट्रेड्समैन फायरमैन का फॉर्म भी जल्द आएगा, आपका भाई उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज की आपको अपडेट दे देगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि हर अपडेट और हर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।